लड़कों को पटखनी देती ये दो बहनें हैं, शामली के हसनपुर लोहारी गांव की शगुन और वेदी। शगुन की उम्र 12 साल की है तो उसकी छोटी बहन वेदी 8 साल की। इनके पिता अमित सैनी को अपनी दोनों बेटियों को पहलवानी कराने का शौक 5 महीने पहले दंगल फिल्म देखने के बाद शुरू हुआ। दोनों बहनें पहलवानी के अखाड़ों में लड़कों को हरा कर हर किसी को हैरत में डाल रही हैं। मुझे इसकी प्रेरणा जी दंगल पिक्चर से मिली। मैं और मेरे बच्चे, मेरी फैमिली पूरी दंगल पिक्चर देख रही थी, तो उसमें जो फोगाट है नहीं, उन्हें देख के मुझे प्रेरणा मिली इसकी। पिक्चर देखने से शुरू में जब उसने पिक्चर देखी तो उनके मन में लग रहा था बार बार ऐसा अगर हम भी करें। उसके पापा ने बोला अच्छा लगेगा मुझे, मेरी भी ख्वाहिश यही है कि मेरे बच्चे का। ये किसका फैसला था, आपका या आपके हस्बैंड का? पति का ही था मेरे। तो आप इसके फैसले के समर्थन में? जी। शगुन ने बताया कि वो आगे चलकर गीता फोगाट जैसा पहलवान बनना चाहती हैं और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती हैं। जनपद और आसपास के गांव में इन दोनों बहनों की चर्चा है। ये दंगल गर्ल्स पहलवानी के अखाड़े में अपने से बड़ी उम्र के लड़कों को भी धूल चटा रही है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे सामने वाला लड़का हो या लड़की, वो मुझे लगता है वो सामने वाला पहलवान है और मुझे उसे जीत करना है। पहले हम सुबह 7 बजे उठते थे और अब हम सुबह 4 बजे उठ के अपने उस्ताद जी के साथ दौड़ लगाते हैं, वर्जिश करते हैं और अपनी तैयारी करते हैं। हमने एक बार मूवी देखी तो माता पिता के साथ, तो हमने जीत पापा जी से जीत करी कि हम भी पहलवानी सीखेंगे। पापा जी ने कहा कि ऐसे वैसे कुछ नहीं होता, तो हमने जीत गई। तो पापा जी ने कहा बात करूँगा, तो कह रहे थे पापा कि अपने गांव का नाम, अपने जिले का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन करना। ये दंगल गर्ल्स कड़ी मेहनत और परिवार के सपोर्ट से कम उम्र में ही कुश्ती के मैदान में अपने हुनर का लोहा मनवा रही। शामली से भारत समाचार के लिए रवि सोलानिया की रिपोर्ट। और कहते हैं प्रतिभा कभी जगह की या अमीरी गरीबी की मोहताज नहीं होती। ऐसी ही प्रतिभा हरदोई में एक रिक्शे वाले के बेटे में दिखी, जिसकी उम्र महज 5 साल है, लेकिन उसका ज्ञान किसी 10 साल के बच्चे से कम।